Hello, children. How are you all? I hope you all are fit and fine watching the videos and completing your work. So, children, as you know, in the previous video, we were doing chapter 6, that is WordPad. Here is chapter 6, WordPad. Children, as I had told you, WordPad is a program which is used for typing text. But, children, I also told you before this, we have uh, already studied about पेंट एंड नोट पैड एंड वर्ड पैड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंट एंड वर्ड पैड इन वर्ड पैड चिल्ड्रेन वी विल बी रीडिंग हाउ टू राइट और हाउ टू टाइप एज वेल एज हाउ टू फॉर्मेट द वर्ड्स विच वी हैव टाइप मीन्स हम अपने वर्ड्स को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं ब्यूटिफुल बना सकते हैं और कलर uh, डाल सकते हैं बट ये वाली चीज़ें हम नोट में नहीं कर पा रहे थे नोट में भी हम लिख रहे थे नोट में भी हम टाइपिंग कर रहे थे लेकिन हम उसकी वो, टाइपिंग की फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे थे लेकिन पेंट में हम कलर डाल सकते थे फॉर्मेटिंग कर सकते थे तो दोनों को मिला करके के एक नया वर्ड प्रोग्राम हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वर्ड जिसमें हम कुछ चीज़ें टाइपिंग तो नोट जैसे ही कर सकते हैं और कुछ चीज़ें पेंट की भी इसमें हम यूज कर सकते हैं तो लेटस सी वी हैव ऑलरेडी लर्न मेनी थिंग्स अबाउट वर्डपैड पैड बट वी विल मूव फर्दर इन द चैप्टर आई थिंक वी हैड स्टडीड वर्ड विंडो देन वी हैड ऑल्सो स्टडीड हाउ टू एंटर टेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट सो चिल्ड्रेन इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड लर्न हाउ टू ओपन

एंड वेन एवर वी टाइप एनी थिंग थिंग फ्रॉम द कीबोर्ड वो सारी चीज़ें जहाँ पे कर्सर होता है उस जगह से लिखना शुरू होता है और वहीं से हम उसे देख सकते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ये जो मैटर हमने टाइप किया हुआ है इस टा मैटर को हमने टाइप कर दिया है अब वी वॉन्ट टू सेव दिस फाइल अब हमें इस फाइल को सेव uh, करना है अब सेव करने के लिए चिल्ड्रेन वी विल गो टू फाइल हम फाइल जाएंगे, में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद हम वहाँ पे अगर हमें डुप्लीकेट फाइल बनानी है तो हम सेव एहस करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करनी है तो हम सेव एहस करते हैं लेकिन जब हम किसी भी फाइल को एक बार मतलब उसमें काम दोबारा खोल करके ओपन करके काम कर रहे हैं और वापस सेव करिए तो हम सिर्फ सेव करते हैं तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट टाइम इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे सेव एज करेंगे तो वी विल गो टू फाइल वी विल क्लिक ऑन सेव एज देन द प्रोग्राम विल आस्क फॉर द नेम एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा और वहाँ पे यू विल राइट द नेम आप वहाँ पर जाकर के उसका नाम यस फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट चिल्ड्रन यू विल गो टू फाइल एज यू कैन सी हियर दिस इज फाइल कमांड यू विल गो टू फाइल फ्रॉम फाइल यू विल सेलेक्ट द सेव सेव ऑफ सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आपकी फाइल सेव हो जाएगी और फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो सेव हैज़ करोगे और सेकेंड टाइम सेव कर रहे हो तो यू विल गो फॉर गो फॉर ओनली सेव चलो ओके बाद विल हैव दिस डाइलॉग बॉक्स वैन यू डू सेव हैजेन यू क्लिक ऑन सेव हैज चिल्ड्रन यू विल हैव अन अदर डायलॉग बॉक्स हियर द कंप्यूटर ऑर द प्रोग्राम विल आस्क फॉर द name of the file you will type the name and then you will click on this you can see here children this is the name of the file and this is save you will here you will save the program in this manner you will save the program so children then now you have learned how to save a program of let us learn more about the wordpad firstly here is an update update for knowledge की कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ डॉक्यूमेंट एज कंट्रोल एस एज आई टोल्ड यू देर आर शॉर्टकट कीज़ ऑल्सो वेन यू रीड वर्ड पैड यू हैव टू नो सम शॉर्टकट कीज ऑल्सो आई दर यू कैन गो टू फाइल फॉर सेव सेविंग योर डॉक्यूमेंट और यू कैन सेव द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द द कीबोर्ड कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना होगा और कंट्रोल के साथ एस प्रेस करने से ही आपका का जो कम, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो सेव हो जाएगा देन। एक बार हम फिर आएंगे ना इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन अ सेव्ड डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट बना के सेव कर लिया आप उसे फिर से खोलना चाहते हो तो वट विल यू डू चिल्ड्रन ये ऑल्सो यूर टू फॉलो सर्टन स्टेप्स वन सेकेंड यू विल गो टू द फाइल मेन्यू आप फाइल मेन्यू पर जाओगे फाइल मेन्यू पर जा करके टाइप आ, प्रेस करोगे प्रेस करने के बाद यू विल गो टू ओ ओपन उसी के नीचे फ़ाइल हमने किया फिर हमने ओपन किया ओपन करने के बाद डायलॉग बॉक्स आएगा एक बार फिर से डायलॉग बॉक्स आएगा अभी पीछे आपने डायलॉग बॉक्स देखा था हेयर इज अनदर डायलॉग बॉक्स इसको हम डायलॉग बॉक्स कह रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी सेव में देख चुके हैं और उसके बाद क्लिक ऑन द नेम ऑफ़ द फाइल दैट यू वॉन्ट टू ओपन क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फ़ाइल दैट यू वॉन्ट टू ओपन जिस फाइल को आप खोलना चाह रहे हो आप उस पर क्लिक करोगे देखो यहाँ नंबर ऑफ़ फाइल्स है दीज आर द नंबर ऑफ़ फाइल्स ये सब अलग अलग फाइल्स है जो हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं बना चुके हैं इनमें से जिस फाइल को भी आपको खोलना है यू विल क्लिक ऑन दैट और उसके बाद आप यहाँ पे आकर के ओके okay कर दोगे आपकी फ़ाइल खुल जाएगी इन दिस वे यू कैन ओपन एन एनी ओल्ड फाइल अब अनदर अपडेट चिल्ड्रन अपडेट योर नॉलेज कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इज़ कंट्रोल ओ इफ़ यू वॉन्ट टू इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट या ओपन एनी ओल्ड डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे करोगे कंट्रोल कीबोर्ड का शॉर्टकट है की है जहाँ पे आपको किसी भी मेन्यू में नहीं जाना है सिर्फ आपको कीबोर्ड से ये दोनों बटन प्रेस करना है आपका कोई भी प्रोग्राम खुल जाएगा तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल ओ दबा करके यू कैन ओपन एनी ओल्ड फाइल विच वी यू हैव ऑलरेडी सेव्ड और सम वेयर बैक यू हैड मेड और क्रिएटेड दैट फाइल तो ये शॉर्टकट मीनू जेल ना वी हैव स्टडीड अबाउट टू शॉर्टकट कीज वोल एज मीन्स यू कंट्रोल एज यू कैन सेव द फाइल एंड कंट्रोल ओ यू कैन ओपन ऑलरेडी सेव्ड फाइल अब ना सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट अब आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर वर्ड इफ यू हैव रिटर्न अ रोंग स्पेलिंग इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट इफ यू वॉन्ट टू राइट करेक्ट द स्पेलिंग सो हाउ विल यू सेलेक्ट सो बिफोर लेटर्स रीड फ्रॉम द बुक चिल्ड्रन है डॉक्यूमेंट सो बिफोर परफॉर्मिंग एनी वर्क इन वर्ड पैट यू मस्ट सेलेक्ट द टेक्सट यू वॉन्ट टू वर्क विद सेलेक्ट टेक्सट अपियर हाईलाइट

अब हमने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद फिर हमको जो भी करना है वहाँ कर सकते हैं अब यहाँ पे हमको पूरी लाइन सेलेक्ट करना है तो वर्ड पैड इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ स्पेशली मेंट फॉर के लिए हमें अगर इस पूरी लाइन को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो सिंगल क्लिक ऑन द वाइट स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ अ लाइन टू सेलेक्ट दैट लाइन आप उस लाइन में शुरू में आप सिंगल क्लिक करोगे पूरी लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी सिमिलरली ली ट्रिपल क्लिक जब हमें एक वर्ड को सेलेक्ट करना था हमने दो बार क्लिक किया था हमें सिंगल लाइन को सेलेक्ट करना था हमने वन क्लिक किया था और जब हमको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक ऑन द पैराग्राफ टू सेलेक्ट इट तो आप उस पूरे पैराग्राफ में तीन ट्रिपल यानी तीन टाइम्स तीन बार क्लिक करोगे आपका पूरा पैराग्राफ क्लिक सेलेक्ट हो जाएगा लॉन्ग सेलेक्शन अगर आपको लॉन्ग सेलेक्शन करना है तो आपको माउस को ड्रैग करके लेके जाना होगा जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है ड्रैग द माउस एंटिल यू हाईलाइट द टेक्स्ट दैट यू विश टू सेलेक्ट फिर हमें स्क्रॉल करके नीचे तक आना है अगर हमें सामने वाले स्क्रीन से भी नीचे जा करके सेलेक्ट करना है तो वी हैव टू कम टू द टू द नेक्स्ट पेज देन यू हैव टू स्क्रॉल एंड सेलेक्ट दल दो पार्ट विच यू एम टू हाईलाइट सो दिस इज हाउ यू विल सेलेक्ट द पार्ट ऑफ अ Document. so children till now we have learned that in case of वर्ल्ड पैड we can write the text or you can type the text and you can also format that written text. तो so, अभी तक हमने नोट पैड पढ़ा था नोट पैड में हम टाइपिंग करते थे लेकिन बाकी चीज़ें नहीं कर पाते थे सिमिलरली इन पेंट हम ड्राॅइंग करते हैं और टेक्स्ट भी लिख लेते हैं लेकिन बहुत कम टेक्स्ट लिखते हैं बेसिकली हम ड्रॉइंग और पेंटिंग के लिए ही करते हैं लेकिन वहाँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन को एक नए को मिला करके हमने एक नया प्रोग्राम बनाया जिसे हम वर्ड पैड कहते हैं वर्ड पैड में हम फॉर्मेटिंग uh, uh, भी कर सकते हैं और टाइपिंग भी कर सकते हैं सो दिस इज़ सम समॉट एडवांस्ड ओवर द नोट पैड सो इन द प्रिवियस इन द प्रीवियस क्लास चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी स्टडी नोट पैड एंड यू नो हाउ टू टाइप टेक्स्ट इन द इन द प्रोग्राम सो हियर इन द सेम मैनर इन वर्ड पैड ऑल्सो यू कैन टाइप द टेक्स्ट and you can do the formatting of text you can decorate your text you can uh, write the text in different styles you can add colors you can underline you can make bold to so, ye sari cheeze hum kar sakte hain so we can take ribbon हम ribbon ले सक sak... uh, ribbon में जितने भी options दिए हुए हैं वहाँ से हम options को लेकर के यहाँ पे use कर सकते हैं तो children till now you have studied how to work what is a word pad and how you can uh, work on it लेटर्स रिवाइज वॉट एवर वी द चैप्टर चलो एक बार हम चैप्टर को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं चैप्टर में हमें क्या क्या कहा बताया गया है तो हियर चिल्ड्रन स्टार्टिंग विद द वर्ड पैड वर्ड पैड इज अ प्रोग्राम वॉट इज अ वर्ड पैड वर्ड पैड इज अ प्रोग्राम वर्ड पैड इज अ प्रोग्राम दैट इज स्पेशली मेंट फॉर टाइपिंग टेक्स्ट तो वर्ड पैड क्या है एक प्रोग्राम है जो स्पेशली किस लिए बना हुआ है टाइपिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को लिखने के लिए वर्ड पैड हैज़ मेनी फीचर्स फ्रॉम थ्रू विच यू कैन मेक योर टेक्स्ट अपीयर मोर ब्यूटिफुल एंड स्ट्रांग, सॉरी अट्रैक्टिव सो वर्ड पैड हैज़ मेनी फीचर्स थ्रू विच यू कैन मेक योर टेक्स्ट अपीयर मोर ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है या फीचर्स है या कमांड्स है जिसको यूज़ करके हम अपने हम ना सिर्फ टेक्स्ट को लिख सकते हैं बल्कि टेक्स्ट को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव वे बना सकते हैं नाउ स्टार्टिंग वर्ड पैड हाउ विल यू स्टार्ट वर्ड पैड अभी तो आपको पता चल गया वॉट इज वर्ड पैड ना इन ऑर्डर टू वर्क ऑन इन वर्ड पैड यू शुड नो हाउ टू स्टार्ट इट सो चिल्ड्रन फॉर स्टार्टिंग द वर्ड पैड एज़ आई टोल्ड यू फॉर स्टार्टिंग द वर्ड पैड यू हैव टू गो टू द स्टार्ट बटन सबसे पहले यू विल गो टू द स्टार्ट बटन एंड वेयर इज़ द स्टार्ट बटन द स्टार्ट बटन इज़ ऑन द डेस्कटॉप तो जैसे ही हम कंप्यूटर खोलते हैं हमारे सामने जो स्क्रीन अपीयर होता है सबसे पहले उसको हम डेस्क टॉप कहते हैं अब इस डेस्क टॉप में हम स्टार्ट बटन वी ऑल नो वेर स्टार्ट बटन फ्राम देर यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम देन यू विल क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम एंड देन अ लिस्ट ऑफ़ प्रोग्राम्स अपीयर अब बहुत सारे प्रोग्राम्स खुलेंगे जिसमें से आपको एसेसरीज ढूँढना है यहाँ पे एसेसरीज भी हमने ढूंढ लिया क्लिक ऑन एसेसरीज अब एसेसरीज़ का जैसे हम क्लिक करेंगे एसेसरीज पे हमको एसेसरीज़ का सब मेन्यू खुलेगा उसके अंडर में जो मेन्यू है वो खुलेगा उसमें से वी हैव टू सर्च फॉर वर्ड पैड बिकॉज वी वॉन्ट टू वर्क ऑन वर्ड पैड हम वर्ड पैड खोलेंगे और वर्ड पैड खोल करके जैसे वर्ड पैड पर क्लिक करेंगे तो यू विल हैव दिस विंडो इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने इस तरह का एक विंडो खुलेगा नाउ योर स्क्रीन और द विंडो इज़ रेडी टू वर्क अब आपको जो भी वर्क करना है यू कैन डू योर वर्क यूजिंग दिस विंडो अब चिल्ड्रेन विंडो वर्ड पार्ट विंडो वर्ड पार्ट विंडो में आज वी हैड स्टडीड इन पेंट इससे पहले हमने पेंट प्रोग्राम पढ़ा था इन दैट इन द मोडि इन द अपडेटेड वर्जन हमने देखा था देर इज़ अनदर ऑप्शन फॉर आस वेयर वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है इस क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं हमें मीनू में जाने की ज़रूरत नहीं होती सीधे हम यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करके जैसे कि सेव हुआ या फिर डू अंडू हुआ रीडू हुआ लेकिन इसके अलावा हम कुछ और ऑप्शंस फ़ाइल मेनू के ऊपर रख सकते हैं जैसे ओपन हुआ न्यू हुआ हम उस पर जाके टिक करेंगे वो हमको इस एरिया में क्विक एक्सेस एरिया में वो दिखा दिखने लगेगा और उसके बाद हम वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं तो चिल्ड्रन क्विक एक्सेस एरिया में सिर्फ अंडू रीडू या सेव ही नहीं होता आप अपने हिसाब से भी कुछ और कमांड्स को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि आप उस पर ईज़िली काम कर मतलब उसको ईजिली एक्सेस कर सकें देन चिल्ड्रन अब क्विक एक्सेस एरिया हो गया फर्स्ट इस एरिया इस क्विक एक्सेस एरिया यहाँ पे हमें सेव होता है डू ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में सेट होता है रीडू होता है अंडू होता है देन वी हैव टाइटल बार अगर हमने सेव किए हुए प्रोग्राम को खोला है तो टाइटल दिखाएगा प्रोग्राम का और अगर हमने नया डॉक्यूमेंट खोला हुआ है हम उसको बना रहे हैं अभी सेव नहीं किया है तो अन टाइटल्ड वर्ड पैड शो करेगा उसके बाद हमारे पास है टास्क टैब्स बहुत सारे टैब्स है ये फाइल टैब हो गया हमारे पास जिसको हम विंडो बटन भी कहते हैं और विंडो बटन के अलावा हम इसको टैब भी कहते हैं तो फाइल टैब हो गया फाइल टैब के बाद हमारे पास होम टैब है फिर उसके बाद हमारे पास व्यू टैब है तो दीज आर द मेन टैब्स अंडर विच देर आर मेनी ऑप्शन एंड वी विल बी यूजिंग दीज ऑप्शन इन ऑर्डर टू वर्क ऑन दीज वन बाई वन सो वी विल बी रीडिंग अबाउट और लर्निंग अबाउट दीज लेटर ऑन इन द सेम चैप्टर उसके बाद चिल्ड्रन चिल्ड्रेन सी हमारे पास जो ये ऑप्शन है इसका एक्चुअल मतलब क्या है सो इसके बाद सबसे पहले एज आई टोल्ड यू टाइटल बार अस सी टाइटल बार में क्या टाइटल बार में क्या है टाइटल बार में हमारे पास है द टॉप मोस्ट बार शोज द नेम ऑफ द डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट जो भी आपके का डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे खुला हुआ है या डिस्प्ले है हुआ है उसके उसके नाम को यह डिस्प्ले करता है देन उसके उसी में आपके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार इट डिस्प्लेज क्विक एक्सेस बटन फॉर सेव अंडू एंड रीडू कमांड ये जो होता है ये हमको वो ये तीनों कमान शो करता है एज आई टोलियो एंड दीज कमांड्स आर सेट एट एज डिफॉल्ट यह पहले से सेट से होता है इसके अलावा हम कुछ और भी ऑप्शन ऑप्शन uh, को या कमांड्स को वहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं ताकि ईजीली हम क्विक एक्सेस बार से इन कमांड्स को यूज़ कर सकें और उसके बाद हम आराम से कोई भी काम कर सकें उसके बाद चिल्ड्रेन वी हैव वर्ड पैड बटन और द फाइल टैप जस्ना चोलियो जो 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 नीचे टैप्स होते हैं जस्ट बिलो दार और टाइटल बार के नीचे उसको हम कहते हैं वर्ड पैड बटन्स और द फाइल टैप हम इनको वर्ल्ड पैड बटन्स भी कहते हैं और फाइल टैप भी कहते हैं इट डिसप्लेज द मीनू ऑफ फाइल कमांड सच एज न्यू एंड ओपन ये न्यू और ओपन दिखाता है और इन न्यू को ऑप्शन से हम एक नया फाइल कमांड uh, एक नया पेज खोल सकते हैं या नया डॉक्यूमेंट uh, बना सकते हैं और ओपन से हम ऑलरेडी बनाए हुए डॉक्यूमेंट को वो खोल करके उसमें काम कर सकते हैं देन होम एंड व्यू हो गया होम एंड होम एंड व्यू आर अनदर टैब्स विच आर यूज टू वर्क इन वर्ड पैड अबाउट विच वी विल बी रीडिंग लेटर देन रिबन चिल्ड्रेन रिबन इज में हमारे पास वो सारे टूल्स होते हैं विच वी विल बी यूजिंग वाइल वर्किंग ऑन द वर्ड पैड सो इट डिसप्लेस ग्रूप ऑफ़ रिलेटेड कमांड्स ऑफर्स शॉर्टकट बटन्स ऑफ द कॉमन टास्क हमें शॉर्टकट बटन्स भी दिखाता है जो कि हम की बोर्ड से यूज कर सकते हैं सो so, यहाँ पर आपको शॉर्ट कट बटन्स भी दिखाएगा और उसके बाद कुछ कमांड्स को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद वो पार्ट जहाँ पर हम लिखते हैं उसे हम करते हैं टाइपिंग एरिया उस टाइपिंग एरिया में वी हैव अ स्मॉल कर्सर जिसे जिसके बारे में वी ऑलरेडी नो एंड इट इज़ द पॉइंट विच शोज द पॉइंट ऑफ द करसर शोज कि वॉट एवर यू टाइप फ्रॉम द की बोर्ड विल बी रिटर्न फ्राम द करसर लाइन सो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड इंसर्शन पॉइंट क्योंकि जो भी हम टाइप करते हैं वहीं से इंसर्ट होना शुरू होता है या वहीं से लिखना शुरू होता है इसलिए हम उसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं सो चिल्ड्रेन दिस इज़ ऑल अबाउट द विंडो ये सारी चीज़ें विंडो में प्रजेंट होती है दैन वी ऑल्सो नो हाउ टू एंटर द टेक्सट For entering the text, you will go to the insertion point and वहीं से हम जब कम कुछ भी type करना शुरू करेंगे keyboard में तो वो सारी चीज़ें हमको screen पर दिखाई देगी और हमारे पास एक text लिखा हुआ गा in this manner. अब इसको हम save करेंगे या शॉर्टकट की में हम कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं या फाइल में जाकर के सेव ऐस से हम इसको सेव कर सकते हैं वैन यू क्लिक ऑन सेव as, आपको एक और डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको सेव ऑप्शन होगा फ्रॉम देर यू विल क्लिक ऑन सेव ऑप्शन एंड अनदर डायलॉग बॉक्स विल ओपन वेयर यू विल टाइप द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विद विच यू वॉन्ट टू सेव द फाइल आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे ओके okay करेंगे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और अगर आप फिर से किसी पुरानी डॉक्यूमेंट को खोलना चाह रहे हो तो वंस अगेन यू विल गो टू फाइल मीनू आप फाइल मीनू पे जाओगे फाइल मीनू में जाने के बाद आप ओपन करोगे या फिर आप कंट्रोल ओ से भी खोल सकते हो और ओपन करके आपको जो भी करना है आप उस डॉक्यूमेंट में कर सकते हो सो चिल्ड्रन इन दिस मैनर टिल नाउ वी हैव लर्न वॉट इज वर्ड पैड वी हैव लर्न वाई वी यूज लर्न वर्ड पैड वी हैव लर्न हाउ टू ओपन वर्ड पैड एंड हाउ टू मेक अ डॉक्यूमेंट एंड देन हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट एंड If you want to restart a document, already saved document, if you want to open a document which is already saved, that also you have understood. So, children, thank you for today. We will continue the same chapter in the next video also. Till then, thank you and have a nice day ahead.